जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अचीवो में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में ऋग वैदिक काल के बारे में देखेंगे, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए और एसएससी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, इसमें इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन बिहार एसएससी, यूपी एसएससी, स्टेट एसएससी के भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वहां से एंशियंट हिस्ट्री से एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत का एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है जीएस के सेक्शन में। चलिए बात करते हैं अभी हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में। तो ऋग वैदिक काल के यहाँ पे देखते हैं हम लोग आर्यों के आगमन और उनके विस्तार से, इसके बारे में। आर्यों के आगमन, और उनका विस्तार जो था, इसके फ्रेंड्स इस टॉपिक को देखने से पहले, ऋग वैदिक काल को देखने से पहले, यदि आप चाहो तो आप वैदिक काल का देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अपलोड हो चुका है, तो चीजें क्या होती है, एक दूसरे से लिंक करके आगे हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बात करें यहाँ पे हम लोग आर्यों के आगमन के बारे में। तो आर्यों का जो आगमन हुआ था, उसके बारे में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, अलग अलग जो विद्वान है, ठीक है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, विद्वानों का अलग अलग मत है, अपना अलग अलग मत अपना दे रहे हैं वो लोग, ठीक है, अलग अलग मत है। इसमें से जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मत है वो किसका, मैक्स मूलर का माना जाता है, मैक्स जो एक्सेप्टेड है, मैक्स मूलर का, ठीक है। तो मैक्स मूलर का जो अपना थॉट है, मत है, उसको क्या मतलब सर्वमान्य किया गया, इसको माना गया है। इसके अनुसार जो आर्य हैं, आर्य का जो आर्यों का जो मूल स्थान है, का मूल स्थान किसको बताया इसने, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान तो बोला इसने कि आर्य जो थे मध्य एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया, ठीक है। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्यों का मूल स्थान है कहाँ पे है, मध्य एशिया में रहा। और इसका कुछ जीव वैज्ञानिकों के द्वारा पुष्टि भी की गई है, जीव विज्ञानियों के द्वारा, साइंटिस्ट जो है बायोलॉजिस्ट उनके द्वारा इसकी द्वारा पुष्टि भी की गई है। कैसे पुष्टि की गई है, इनके द्वारा कहा गया है कि जो जेनेटिक जो सिग्नल्स हैं, जो संकेत हैं, जैसे में कि N17 नामक जो आनुवंशिक संकेत है, नामक आनुवंशिक आनुवंशिक जो जीन्स हैं, ठीक है, अब जीन्स जो है वो कहाँ पे हमारे भारत में पाए गए हैं, जो कहाँ पे बेसिकली मध्य एशिया से भारत में ये आए हैं। तो ये एक थोड़ा सा वो पुष्टि हो जाता है कि जो आर्य थे वो कहाँ पे थे, बेसिकली मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे, ठीक है। बात कर कुछ विद्वानों का और भी कहना था यहाँ पे, कि अलग अलग जो मत वाले में बात करें यहाँ पे, तो कुछ विद्वानों का था यहाँ पे, जैसे कि एक थे हमारे क्या गंगा नाथ झा, ठीक है, या आप बात करें यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, बाल गंगाधर तिलक, के बारे में बात करें, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो है वो कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, फिर अब मध्य एशिया के बारे में किसने कहा था, तो मैक्स मूलर और एक और थे, उनका नाम था रीड, ठीक है, रीड ने भी कहा था कि जो आ रहे हो कहाँ से, मध्य एशिया से है, ठीक है। दयानंद सरस्वती की बात करें यहाँ पे, दयानंद सरस्वती की बात करें, ठीक है, तो दयानंद ने सरस्वती ने कहा था कि जो आ रहे थे वो कहाँ से आए थे, वो तिब्बत से आए थे, कहाँ से, तिब्बत से आए थे,
ठीक है। तो ये कुछ विद्वानों के अपने अपने मत हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मत किसका है, मैक्स मूलर का है, जिसने कहा कि आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से, भारत। ठीक है, यदि हम लोग आर्यों के विस्तार के बारे में बात करें यहाँ पे, आर्यों के बारे विस्तार के बारे में बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गए। तो पूर्व की बात करें हम लोग, पूर्व की बात करें तो पूर्व में कहाँ पे, तो यमुना नदी, तो यमुना नदी पूरे में कहाँ पे, पूर्व में यमुना नदी, तक इनका विस्तार। यदि पश्चिम की बात करें हम लोग, पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में कहाँ पे, तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक हो रहा है, ठीक है। उत्तर की बात करें, उत्तर में, ठीक है, तो उत्तर में कहाँ तक, हिमालय, कहाँ पे, हिमालय, ठीक है। और दक्षिण में बात करें, दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में कहाँ पे, यमुना नदी के समानांतर, यमुना नदी के समानांतर तक इनका विस्तार था, समानांतर तक इनका क्या था, क्लियर। बात करें यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि नदियों के बारे में, ऋग्वेद के समय में नदियों के बारे में बात करें यहाँ पे, तो नदियों, ठीक है, नदियों के बारे में बात करें यहाँ पे ऋग्वेद के समय में, तो नदियों के जो है, ऋग्वेद में एक तो सूक्त है, उसका नाम है नदी सूक्त, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में एक सूक्त है, उसका नाम क्या है, नदी, नदी सूक्त, ठीक है। नदी सूक्त में कहा गया है कि टोटल बेसिकली जो नदी सूक्त है कौन से मंडल में है, दसवें मंडल में इसका वर्णन है, दसवें मंडल में वर्णन इसका, ठीक है, दसवें मंडल में इसका वर्णन है। टोटल कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो दसवें मंडल में टोटल नदियों की संख्या कितनी बताई गई है, 21 नदियों का वर्णन, कितनी, 21 नदियों का वर्णन किया गया, का वर्णन किया गया, ठीक है। यदि इन नदियों की बात करें, ठीक है, तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी जो है, सिंधु, तो सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी को का क्या है, इसको कहा गया कि आर्यों का सबसे प्रमुख नदी है, आर्यों का सबसे प्रमुख नदी है, किसको बताया गया है, सिंधु नदी को बताया गया है सबसे प्रमुख नदी, सबसे प्रमुख नदी कौन सी नदी को बताया गया, सिंधु नदी को बताया गया, जिसका सर जिसका क्या हो, सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया, सर्वाधिक, सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया, ठीक है, ऋग्वेद में इसका क्या सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया, कहाँ पे, ऋग्वेद है, ठीक है, सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया। और सिख और किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है किस नाम से जाना है, हिरण्यानी, हिरण, हिरण, ठीक है, नाम से भी इसको क्या जाना जाता है, जाए जाए। यदि अब सिंधु नदी के बारे में हो गया है, एक सबसे क्या था, सबसे प्रमुख नदी है, सबसे अधिक बार इसका उल्लेख हुआ है। यदि सेकेंड नंबर की बात किया जाए, तो सेकेंड नदी पे कौन से नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है, तो वो नदी है कौन सी, सरस्वती, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी कहाँ पे इसका उल्लेख है, ऋग्वेद में, तो सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख, ये क्या दूसरी नदी है, ये सेकेंड रैंक है, सेकेंड रैंक, ठीक है। ये नदी सिंधु नदी को कौन सा रैंक मिला, फर्स्ट रैंक सबसे ज्यादा इसका मिला है, सबसे ज्यादा इसका उल्लेख किया गया, और उसके बाद किस नदी का, सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया,
इस नदी को सरस्वती नदी को और किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को नदीतमा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा जाता है? नदीतमा। क्या नाम दिया गया? नदीतमा नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नदीतमा का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ नदी। क्या मतलब होता है? सर्व श्रेष्ठ नदी। क्लियर है यहाँ पे? बात करें यहां पे हम लोग कि गंडक, गंडक के बारे में बात करें, गंडक नदी, गंडक नदी। ठीक है, तो गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सदा नीरा को नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ पे? एक और काफी फेमस नदी है, उसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी को बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? इसको जो वर्णन किया गया वो किसमें? शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन किया गया है, ये वर्णन है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है रेवित्रा। रेवित्रा नदी, रेवित्रा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि समुद्र के बारे में। समुद्र, समुद्र के बारे में। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो समुद्र का मतलब क्या होता है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद, ऋग्वेद में समुद्र का मतलब एक बड़ा सा जला मतलब जलाशय जहां पे बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ। ठीक है, एक बड़ा जलाशय, बड़ा जलाशय, तो बड़ा जलाशय को क्या समुद्र के रूप में जाना जाता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे ऋग्वेद में मरुस्थल, मरुस्थल का नाम क्या दिया गया था? तो मरुस्थल जो था, ठीक है, मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? मरुस्थल के लिए एक शब्द यूज हुआ था, धनु। क्या शब्द था? धनु शब्द का प्रयोग हुआ था, धनु शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, कहाँ पे? ऋग्वेद में। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? ऋग्वेद में जो चर्चित है उनके बारे में किया गया। ठीक है, कुछ ऋग्वेद के समय में कुछ नदियां हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें। ठीक है, तो ऋग्वैदिक नदियां जो हैं, ऋग्वैदिक नदियां, जो ऋग्वैदिक नदियों में बात करें यहाँ पे हम लोग कि प्राचीन नाम, कुछ नदियों का पूछ लिया जाता है कि प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान नाम क्या है, और वर्तमान, वर्तमान नाम। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो कुछ नदियों के नाम देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि बात करें यहाँ पे अस्किनी, अस्किनी, अस्थनी किस नदी का प्राचीनतम नाम बताइए? वो है चिनाब नदी। कौन सा? चिनाब नदी। चिनाब, चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम था क्या था? अस्किनी नाम था। ठीक है, बात करें सतोद्री, सतोद्री, सतोद्री की बात करें तो सतोद्री का प्राचीन नाम किस नदी का था? तो सतलज का, सतलज का। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, बात करें हम लोग विपाशा, विपाशा, तो विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम? तो है ब्यास नदी का, ब्यास। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि वितस्ता, वितस्ता, वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? तो है झेलम। क्या नाम है? झेलम। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, और एक और भी काफी इम्पोर्टेंट है, परुषणी, परुषणी,
सुनील। पर उसने किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो है रावी। ये काफी इंपॉर्टेंट जो प्राचीन नाम्स हैं ऋग्वैदिक नदियों के भी एक आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे कि जो ऋग्वैदिक जो काल था उस समय जनजातीय संघर्ष करता था। ठीक है, जनजातीय संघर्ष के बारे में बात करें वहां पे, जनजातीय संघर्ष, जनजातीय संघर्ष के बारे में बात करें यदि, ठीक है, तो वो जो जनजातीय संघर्ष बेसिकली था तो वहां पे ज्यादा कुछ नहीं, स्थानीय लोगों के बीच में ही होता था। स्थानीय जो संघर्ष होता था स्थानीय जनों के बीच में होता था। ठीक है, जनों के बीच में होता था। जैसे मैं बात करें यहाँ पे तो दास और दस्यु, दास और दस्यु के बीच में होता था। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, ऋग्वेद के अनुसार, ठीक है, एक भरत वंश के राजा थे, भरत वंश के राजा राजा थे। उनका नाम था, क्या नाम था? दिवोदास नाम था उनका, दिवोदास। दिवोदास ने किसको हराया था? दिवोदास ने संबर को हराया था। किसको हराया था? दिवोदास ने किसको हराया था? संबर को हराया, संबर को हराया था। संबर को क्या कहा? हराया था उसी। ठीक है, और बात कर रहे थे यहाँ पे तो ऋग्वेद में ही, ठीक है, दस्यु की हत्या का बार बार उल्लेख किया गया। किसकी? दस्यु हत्या हत्या का बार बार उल्लेख किया गया। उसका बार बार क्या उल्लेख किया गया? उल्लेख मिलता है यहाँ पे, लेकिन लेकिन यहाँ पे दास हत्या का कोई उल्लेख नहीं। दासों के हत्या का मतलब दास हत्या का, दास हत्या का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, नहीं मिलता। कह रहे हैं चल, यहीं पे बात करें कि और संघर्ष के बारे में बात करें तो यहाँ पे और जो भरत और जो एक नाम था त्रिशु, त्रिशु, ठीक है, वो बेसिकली आर्यों के शासक वंश थे। ये क्या थे? आर्यों के शासक वंश थे, शासक वंश थे। क्लियर। यही पे बात करें तो बेसिकली आर्यों के जो आर्य थे, आर्यों के पांच कबीले थे, आर्यों के कितने कबीले थे? पांच कबीले थे। ठीक है, पांच कबीले थे और उन कबीलों को क्या कहा जाता था? जो पांच कबीले थे उसको पंचजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंच जन कहा जाता था, पंच जन कहा जाता था। क्लियर है? चल, यही भी बात करें तो संघर्ष में ही यदि बात किया जाए इनसे कि भरत वंश, यहाँ पे जो हमने भरत का देखा था तो भरत वंश और 10 राजाओं के बीच से एक युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था।
इसके बीच भरत वंश और 10 राजाओं के बीच में क्या एक युद्ध लड़ा गया था? कहाँ पे लड़ा गया था ये युद्ध? तो एक क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ पे युद्ध लड़ा गया था, तो था परुषणी नदी के किनारे। कौन सी? परुषणी नदी के किनारे, किनारे या तट पे। ठीक है, कौन से? परुषणी नदी के तट पे। और उस युद्ध को क्या कहा गया था? उसे क्या कहा गया? दशराग्य युद्ध। कौन सा युद्ध? दशराग्य युद्ध, दस राग युद्ध। क्या कहा जाता है? दशराग्य युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और इसका वर्णन कहाँ पे मिला है? दशराग युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिला है। सातवें मंडल में वर्णन इसका मिला है, वर्णन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो आर्यों के जो राजा थे, यहाँ पे तो आर्यों के राजा कौन था? तो आर्यों का जो राजा था, का राजा वो कौन था बताइए? आर्यों का राजा था वो सुदास। कौन था? सुदास था। ठीक है, और जो अनार्य थे तो उसके राजा कौन थे? अनार्यों का राजा, का जो नाम था उसका नाम क्या था? वेद, वेद नाम। क्या नाम था? वेद। ठीक है, जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे भरतों और कुरुओं में मित्रता हो गई। भरत और किसके बीच में? कुरुओं के बीच में मित्रता हो गई, कुरुओं में मित्रता हो गई। ठीक है, मित्रता हो गया। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या कौन से वंश का स्थापना हुआ? उसके बाद कौन सा कुरु वंश का स्थापना हुआ, का स्थापना? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, चलिए बात करें यहाँ पे हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक क्या सामाजिक जीवन के बारे में बात करें यहाँ पे? सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो सामाजिक जीवन कैसा था वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे जो ऋग वैदिक काल था, ये सारे हम लोग ऋग वैदिक काल के ही देख रहे हैं। तो ऋग वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था, ठीक है, उसमें स्त्रियां क्या, जो स्त्रियां जो थी वो क्या सभा और समिति में भाग ले सकती थी। किसमें? सभा और समिति में, समिति में क्या भाग ले सकते थे, भाग ले सकते थे। क्लियर है यहाँ पे? और अपने पतियों के साथ, पतियों के साथ क्या करते थे? स्त्रियां जो हैं अपने पतियों के साथ क्या यज्ञों में आहुति भी दे सकते थे। क्या करते थे? यज्ञों में आहुति, में आहुति भी देते हैं, आहुति देती थी। क्लियर है यहाँ पे? चल यहाँ पे बात करें और तो यहाँ पे और स्त्री शिक्षा का काफी महत्व था। स्त्री शिक्षा का काफी क्या था? का महत्व काफी था, का महत्व था। ठीक है, यहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। क्या था? पर्दा प्रथा था कि नहीं था? पर्दा प्रथा नहीं था, और सती प्रथा भी नहीं था। सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था, प्रथा का प्रचलन नहीं था। न पर्दा प्रथा था, न सती प्रथा था। शिक्षा पे काफी महत्व दिया गया था। यहाँ पे बात करें ऋग वैदिक काल में, और
यहाँ पे नियोग प्रथा, नियोग नियोग प्रथा और किस चीज का, और बात करें यहाँ पे तो विधवा विवाह का प्रचलन था, विधवा विवाह का प्रचलन था, का प्रचलन था, ठीक है। नियोग प्रथा और विधवा विवाह का क्या था यहाँ पे प्रचलन। बात करें हम लोग अमाजू, अमाजू क्या होते थे, अमाजू के बारे में बात करें यदि, तो अमाजू क्या होते थे, तो अमाजू बेसिकली वो होते कि मतलब लाइफ टाइम अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था, मतलब आजीवन, आजीवन अविवाहित रहने वाली, जिनकी जो शादी न करें, अविवाहित, अविवाहित जो स्त्रियां रहती थी उनको क्या कहा जाता था, रहने वाली, क्या स्त्रियों को, जो स्त्री होती थी उसको क्या कहा जाता था, वो अमाजू कहा जाता था, क्लियर है। ठीक, बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था था ऋग्वैदिक काल में, जो वर्ण व्यवस्था जो था, ठीक है, वो किस पे आधारित था, वो कर्म के आधार पे था, पर आधारित था, मतलब तो जो जैसा कर्म करता था उसके अनुसार उनकी क्या कास्ट डिफाइंड किया गया था, कर्म पर आधारित था, क्लियर है। इस समय में जो वस्त्र थे, बात करें यहाँ पे हम लोग वस्त्र, वस्त्र की बात करें, वस्त्र की बात करें तो यहाँ पे तीन प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे, तीन प्रकार के वस्त्र होते थे, तीन प्रकार जो वस्त्र थे, ये क्या तीन प्रकार के वस्त्र होते थे। फर्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट क्या है, वास, कौन सा वस्त्र, वास, वस्त्र बेसिकली मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र था, जो मध्य भाग में पहना जाता था, मध्य भाग में, मध्य भाग में क्या पहना जाता था, क्लियर है। सेकेंड जो है बेसिकली अधिवास, वो क्या है, तो अधिवास, अधिवास जो है, अधिवास वो कैसा वस्त्र होता था, तो अधिवास बेसिकली चादर या ओढ़नी की तरह उसका प्रयोग होता था, चादर या ओढ़नी की तरह, ओढ़नी की तरह प्रयोग होता, तरह प्रयोग किए जाने वाले वस्त्र को क्या अधिवास कहा जाता है। और तीसरा है निवि, कौन सा वस्त्र है, निवि, निवि, तो निवि बेसिकली क्या है, निवि क्या है, कौन सा वस्त्र जो कमर के नीचे पहना जाता, कमर के नीचे पहना पहना जाता था, ठीक है। इस समय की बात करें तो यहाँ पे लोग क्या था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे, क्या था, शाकाहारी और मांसाहारी, और मांसाहारी, मांसाहारी ठीक, वैदिक काल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग पाए जाते थे। यहाँ पे बात करें और इसके बारे में, फसल के बारे में, तो जो प्रमुख फसल था वो कौन सा था, यो, ठीक है, ये क्या था, प्रमुख फसल था, यो या यो क्या था उस समय का, क्या था प्रमुख फसल। लेकिन यहाँ पे जो बात करें तो मछली और नमक का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, नमक, नमक और मछली, और मछली की बात करें, मछली का उल्लेख, का उल्लेख, नमक और मछली का उल्लेख नहीं मिलता है कहीं भी ऋग्वैदिक काल में, ले रहे हैं पे। चल यहाँ पे बात करें और तो सामाजिक संगठन का जो आधार था ऋग्वैदिक काल में, सामाजिक संगठन का आधार, सामाजिक संगठन का जो आधार था वो क्या था, वो था हमारा गोत्र, गोत्र या जन्म मूलक संबंध, या जन्म मूलक,
जन मूलक। ठीक है, जन मूलक। ठीक, यदि बात करें यहाँ पे तो सामाजिक संगठन में तो सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो सबसे छोटी जो इकाई थी, सबसे छोटी छोटी जो इकाई थी वो क्या था, सबसे जो छोटी इकाई था वो क्या था, परिवार, परिवार, या उसको क्या कहा जाता, कुल भी कहा जाता, क्या कहा जाता था, कुल, कुल या परिवार। ठीक है, जिसका हेड कौन होता था, इसका जो है प्रधान होता था उसको कुलप कहा जाता था, क्या, कुलप, इसका जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे, कुलप कहा जाता था। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि लेक्चर आपके एग्जाम्स के लिए लगता है कि यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही सारे पूरी एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इवन पूरे जीके जीएस को कवर करेंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन के बारे में बात करें यहाँ पे। ठीक है, आर्थिक जीवन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो आर्थिक जीवन में देखते हैं बेसिकली जो सभ्यता, ऋग्वैदिक काल जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थे, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, और यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, यहाँ पे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार का मुख्य आधार, मुख्य आधार क्या था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था बेसिकली पशुपालन था, क्या था, पशुपालन। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन। और इस काल में पशुपालन की बात करें तो गाय, गाय का बहुत ज्यादा महत्व, का बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा महत्व। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्व। ठीक है, बात करें यहाँ पे तो गाय का उल्लेख की बात करें ऋग्वेद में, ऋग्वेद में जो गाय का उल्लेख हुआ है कितनी बार हुआ है, 176 बार हुआ, 176 बार उल्लेख हुआ है, कितनी बार, 176 बार ऋग्वेद में गाय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं जो गायों से उत्पत्ति हुई है, शब्दों की भी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गाय से हुई है, शब्दों की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है, गाय से हुई है। जैसे कि बात करें यहाँ पे कौन सा शब्द, गोहना, गोहना, गोहना का मत जो अर्थ होता है, मतलब होता है अतिथि, अतिथि, क्लियर है। सेकंड जो शब्द उत्पन्न हुआ है गोमत, गोमत, ठीक है, गोमत का मत मतलब है यहाँ पे धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो क्या, अगण्य, अन्य, अन्य का मतलब क्या है कि ऐसी गाय जिसको ना मारा जा सके, ना मारी जाने वाली गाय, ना मारी जाने वाली गाय, जिस गाय को मारा नहीं जा सकता। और एक है वर्ड है गाविष्ट, क्या नाम है, गाविष्ट, कौन सा वर्ड हुआ, गाविष्ट, इसका मतलब है कि गाय का अन्वेषण, इसका मतलब है गाय का अन्वेषण, गाय का अन्वेषण, क्लियर है। चलिए बात करें यहाँ पे और तो आर्थिक जीवन में यहाँ पे और क्या है कि कृषि की चर्चा जो हुई है, कृषि की चर्चा ऋग्वेद यहाँ पे बात करें तो कृषि की जो चर्चा है वो तो केवल 14 श्लोकों में ही हुई, कितने श्लोकों में, केवल, सॉरी, 24 श्लोकों में, सिर्फ
केवल 24 श्लोकों में ही यहाँ पे चर्चा हुई है। ले रहे हैं यहाँ पे ठीक। और बात करें यहाँ पे, यहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ है अयस। अयस अयस शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? अयस शब्द का प्रयोग बात करें यहाँ पे, तो अयस शब्द का प्रयोग बेसिकली तांबा, तांबा और किसके लिए, और कांसे के लिए इसका प्रयोग किया, कांसा के लिए इसका प्रयोग के लिए। कौन सा शब्द प्रयोग किया? अयस शब्द का प्रयोग किया गया है ठीक है। यहां पे और बात करें तो किस किन किन का शिल्पियों की यदि बात करें तो किन किन शिल्पियों का यहाँ पे उल्लेख किया गया ऋग्वैदिक काल में? शिल्पियों का उल्लेख, शिल्पियों के उल्लेख में बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से शिल्पी की बात की गई है? जैसे कि बढ़ई, किसके बारे में? बढ़ई और रत्तार और बुनकर, इन सारे शिल्पियों के बारे में यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में बात किया गया ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट टॉपिक यदि हम यहाँ पे डिस्कस करें, राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा था? राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें यहाँ पे ठीक है। राजनीतिक जीवन के यदि बारे में बात करें तो राजनीतिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आर्यों का जो प्रशासन तंत्र था, आर्यों का जो प्रशासन तंत्र था, प्रशासन तंत्र की बात किया जाए तो आर्यों का प्रशासन तंत्र किसके द्वारा संचालित किया जाता था? तो जो कबीले का हेड होता था, प्रधान होता था, उसके द्वारा किया जाता था, कबीले कबीले के प्रधान के प्रधान के द्वारा, कबीले का जो प्रधान होता था, कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, द्वारा संचालित संचालित होता कह रहे हैं ठीक है। इसको क्या कहा जाता था? उसको राजन, क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता, क्लियर? राजन मतलब राजन कहा जाता था। क्लियर है? यहाँ पे क्या था कि राजनीतिक जीवन में यदि बात करें हम लोग तो यहाँ पे बेसिकली अनेक कुलों को मिला करके, अनेक कुल को मिला करके क्या बनता था? ओ, मिलाकर क्या बनता था बताइए? अनेक कुलों को मिलाकर क्या बनता था? ग्राम। क्या बनता था? बनता था ठीक है। और अनेक ग्रामों को मिलाकर के क्या बनता था? विश्व। क्या बनता था? विश्व बनता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर के क्या बनता था? विश्व बनता था ठीक है। और अनेक विश्वों को मिलाकर के क्या बनता था? अनेक विश्वों को मिलाकर के यहाँ पे जन बनता था। क्या बनता था? जन बनता था। इसका जन का हेड कौन होता था? राजन। कौन होता था? राजन या राज। क्लियर है यहाँ पे? तो जो कुल का हेड होता था उसको क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। जो कुल का प्रधान होता था उसको क्या? कुलप कहा जाता था ठीक है। जो ग्राम का प्रधान था उसको क्या कहा जाता था? ग्रामीणी, ग्रामीणी कहा जाता था। जो विश्व का प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था बताइए? विश्वपति। क्या कहा जाता था? विश्वपति ठीक है। और बहुत सारे विषयों को मिलाकर के जो बनता था जन, उसके प्रधान को क्या कहा जाता था? राजन या राजा ठीक है। यहाँ पे बात करें तो जन का जो उल्लेख है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में जो जन का उल्लेख मिला है, जन का उल्लेख जो है वो कितनी बार किया गया है? तो जन का उल्लेख 275 बार किया गया। कितने बार? 275 बार किया गया ठीक है। यहाँ पे जनपद शब्द नहीं आया है,
सिर्फ जन आया है लेकिन जनपद सब नहीं आया है। जनपद सब नहीं आया। जनपद का मतलब राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो समिति होती थी, समिति समिति होती थी, तो समिति का जो बेसिकली प्रमुख होता था, समिति का प्रमुख उसको क्या कहा जाता था? सम्मुख जो समिति के प्रमुख है उसको क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। क्या कहलाता था वो? ईशान, ईशान उसको कहा जाता था। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, बात करें यहाँ पे कि जो कबीले का, तो ऋग वैदिक काल के जो कबीले थे, कबीले या जो कुल था, कुलों का आधार क्या था? कुलों का आधार कई संगठन थे। क्या थे? कई संगठन थे। उन संगठन में क्या था, कौन कौन से थे? सभा, समिति और क्या थे? विदत, विदत और गण। तो ये सारे जो संगठन थे वो क्या कबीलों या कुलों का क्या थे? आधार। ठीक है, और ये संगठन करते क्या थे बेसिकली? ये विचार विमर्श करते। क्या करते थे? विचार विमर्श, विचार विमर्श करते थे। और बेसिकली और क्या करते थे? ये धार्मिक और सैनिक जो कार्य थे वो देखते थे, सैनिक और धार्मिक कार्य देख। ठीक है, यहाँ पे सभा समिति काफी, इसमें जो सभा और समिति है, जो सभा और समिति है ये काफी पावरफुल थी। ठीक है, जहां पे जो राजा होता था इनका समर्थन पाने के लिए क्या रहता था? राजन सभा समिति का समर्थन पाने के लिए मतलब व्याकुल रहता था, बेताब रहता था, इतनी पावरफुल समर्थन पाना चाहता था, चाहता। ठीक है, यहाँ पे आप बात करें कि एक वर्ड यूज हुआ है बलि। क्या बलि? ऋग वेद काल में बलि जो बेसिकली है क्या? राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर कर ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ बेसिकली जो राजा की सहायता करने के लिए, यहीं पे बात करें तो राजा की सहायता करने के लिए, सहायता करने के लिए पुरोहित होते थे। क्या होते थे? पुरोहित होते थे जो राजा की क्या करते थे? सहायता करते थे। इनमें दो पुरोहितों के काफी नेम काफी इंपॉर्टेंट है। एक है वशिष्ठ, वशिष्ठ ठीक है, और एक दूसरा कौन है? दूसरा है हमारे विश्वामित्र, विश्वामित्र। विश्वामित्र तो जो वशिष्ठ थे कैसे थे? रूढ़िवादी थे। क्या थे? रूढ़िवादी थे। ठीक है, और जो विश्वामित्र थे कैसे थे? उदारवादी, उदारवादी। क्लियर? सो फ्रेंड्स, एक हमारे कुछ ऋग वैदिक काल से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं इसको। थैंक यू।